दोस्तों, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े सभी के लाइफ में होते ही रहते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे बिजनेस में हो, मियाँ बीबी में हो, या फिर पड़ोस में हो, बच्चों के साथ में हो, सास बहू में हो। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे साथ में हमेशा ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब किसी के साथ में हमारी लड़ाई होती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, जितनी भी गाली आती हो सब कह डालना है, कटु से कटु शब्द बोल डालने हैं, ताकि सामने वाला आपकी ताकत को समझ सके कि आपसे लड़कर उसने बड़ी गलती कर दी है। यही होता है ना, हम सब इसी सोच के साथ दूसरे से लड़ाई करते हैं। पर कभी आपने सोचा है, जिससे आप इतनी बुरी तरह से पेश आए थे उससे कभी आपका कोई काम भी पड़ सकता है, या आपको सारी ज़िंदगी उसके साथ भी काटनी पड़ सकती है? कभी नहीं सोचते, लेकिन पछताते ज़रूर हैं। दोस्तों, फिर माफ़ी मांगने से भी क्या लाभ, माफ़ी मिल भी गई पर जो जख्म अंदर भर गए वो कभी भी हरे हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध मुहावरा आपने सुना होगा, कमान से निकला तीर, जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। हमारे बुजुर्ग कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो, पर हम कभी नहीं सुनते थे, किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि हमारे सिर पे क्रोध सवार होता है, हम क्रोध के वश में हैं। दोस्तों, ये भी सत्य है कि क्रोध को रोका नहीं जा सकता, हमें क्रोध सामने वाला ही दिलाता है। लेकिन ये ध्यान जरूर रख सकते हैं कि सामने कौन खड़ा है। अगर आपके बड़े आपके क्रोध का कारण हैं तो फिर आप उस जगह से हट जाएं, थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठ जाएं। जब सामने वाले का क्रोध शांत हो जाए तब अपनी बात उसे समझाने की कोशिश करें। कभी भी क्रोध में आकर अपने से बड़ों से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। विकल्प बहुत हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन कटु शब्द बोलना ही एक विकल्प हो ये उचित नहीं। एक किसान भी ऐसे ही पछताया था। एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम जंगल में जाओ और खूब सारे सूखे पत्ते इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के चौराहे पर रखाओ। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास वापस पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन सूखे पत्तों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक पत्ते हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो शब्द हमें ही अधिक कष्ट देते हैं। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है, सामने वाला कोई भी हो, आपको अगर गुस्सा दिलाता है, आप यही कोशिश करो कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्सा आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, आपके खूबसूरती को भी नुकसान पहुंचाता है, आपके घर को भी नुकसान पहुंचाता है, आपके स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा हमेशा नुकसान ही देता है। इस बात को ध्यान में रख के ही आप किसी से बात भी बात करें। कभी भी किसी से कटु शब्द बोलने से पहले आप अपने दिमाग में वो बात सोच लें जो बात आप दूसरे से कहने जा रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।